ये कहा जाता है कामकाजी हिंदी का विस्तार क्या केवल लिखित भाषा तक है? इसका उत्तर होगा नहीं, मौखिक भाषा भी कामकाजी हिंदी का पर्याय होती है। कामकाजी हिंदी की अभिव्याप्ति मौखिक भाषा में भी होती है, क्योंकि व्यवहार और प्रयोग में लिखित भाषा के साथ साथ मौखिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। हर क्षेत्र में वाग्मिता हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि साक्षात्कार लिए जाते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में साक्षात्कार लिए जाते हैं, संचार के क्षेत्र में साक्षात्कार लिए जाते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कामकाजी भाषा केवल लिखित और मानकीकृत ही होती है, कामकाजी भाषा का मौखिक स्वरूप भी होता है। और इसलिए मौखिक और लिखित भाषा दोनों का संबंध कामकाजी हिंदी से है। कामकाजी का अगर हम शब्दार्थ देखना चाहें तो कामकाजी अर्थात काम और काज में उपयोग में लाई जाने वाली भाषा। इसके लिए अन्य दूसरे शब्दों का भी प्रयोग होता है, जैसे व्यावहारिक भाषा, जैसे दैनंदिन उपयोग में लाई जाने वाली भाषा, जैसे व्यावसायिक भाषा। अनेक प्रकार के शब्द हिंदी के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन कामकाजी शब्द प्रचलन में आ गया है और कामकाजी शब्द का प्रयोग अधिकतर होने लगा है, और ये शब्द प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आता है। प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप अत्यंत विस्तृत है, उसमें उसका एक जो महत्वपूर्ण खंड है वो कामकाजी हिंदी के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि एक शब्द है वाग्मिता। वाग्मिता माने वाक्मिता, यानी वाक द्वारा भाषा का प्रयोग। तो वाक भाषा का महत्व क्या है? ये कहा जाता है कि भाषा मूल रूप में तो वाक है, स्पोकन है, उसके बाद ही उसका लिखित या रिटन जो रूप हमारे सामने आता है। वाक भाषा का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप अच्छी से अच्छी उपाधि ले चुके हैं लेकिन अगर आप बोल नहीं सकते ढंग से, मौखिक भाषा आपकी ठीक नहीं है, तो आप साक्षात्कार में सफल नहीं होंगे। इसलिए अब व्यक्तित्व विकास के लिए भी वाग्मिता का प्रयोग होने लगा है, और ये कहा जाने लगा है कि यदि आपको अपने व्यक्तित्व का विकास करना है तो आपको वाक भाषा के प्रयोग की अनेक शैलियों से परिचित होना होगा। अब कामकाज में जो हिंदी है, अगर हम लिखित भाषा के रूप में बात करते हैं, कामकाज में जो हिंदी है तो उसका प्रशासन में प्रयोग होता है। प्रशासन में कैसा प्रयोग होता है कि देखिए, छोटे कार्यालय से लेकर बड़े से बड़े कार्यालय तक जो प्रशासन है, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो, या वो कस्बे के स्तर पर हो, या वो प्रांत के स्तर पर हो, या वो राष्ट्र के स्तर पर हो, सभी जगह कामकाजी हिंदी का प्रयोग होने लगा है। हिंदी राजभाषा है। संविधान में 343 अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा कहा गया है। राजभाषा का अभिप्राय केवल केंद्र की भाषा है, पूरे देश में भी एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को प्रयोग में लाए जाने के लिए कामकाज में राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग स्वीकार किया गया है। ये बात अलग है कि 1965 के बाद भी अभी भी अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ चल रहा है। अभी कई स्थान इस प्रकार के भी हैं जहां केवल अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है, हिंदी का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वहां भी हिंदी के प्रयोग के लिए धीरे धीरे काम हो रहा है। तो इस तरह हिंदी का प्रशासन में प्रयोग होता है। अब प्रशासन के प्रयोग के लिए हिंदी के जो शब्दों का निर्माण है वो भी एक समस्या है, क्योंकि अभी तक हिंदी साहित्य के रूप में ही जानी जाती थी। ये कहा जाता था कि हिंदी का सृजनात्मक प्रयोग ही होता है, उसमें कविता लिखी जाती है, उपन्यास लिखे जाते हैं, नाटक लिखे जाते हैं, कहानी लिखी जाती है, लेख लिखे जाते हैं, निबंध लिखे जाते हैं, लेकिन हिंदी का राजकाज में प्रयोग नहीं होता। अब हिंदी का जब से राजकाज में प्रयोग आरंभ हुआ है, तब से सृजनात्मक के समानांतर प्रशासनिक हिंदी प्रयोग में आने लगी है। प्रशासनिक हिंदी के प्रयोग में आने के समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हिंदी के शब्दों का निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि कभी भी आज़ादी के पहले, स्वतंत्रता के पहले हिंदी राजकाज की भाषा नहीं रही। और इसी कारण केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने प्रशासनिक शब्दावली कोश बनाया है। प्रशासन में प्रारूपण होता है, प्रशासन में मसौदे लिखे जाते हैं, सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, अधिसूचनाएं होती हैं, परिपत्र होते हैं, इनमें बहुत से तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रशासनिक शब्दावली आयोग ने प्रशासनिक शब्दकोश निर्मित किया है, और हिंदी का प्रशासन में प्रयोग हो इसके लिए उन्होंने सुविधा कराई है। इसलिए हिंदी में प्रशासन का कार्य करने के लिए हमें उन शब्दों का ही प्रयोग करना पड़ता है जो एक रूपता रखते हैं। अत्यंत दुखद बात यह है
कि जो हिंदी प्रांत हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इन्होंने अपने अपने हिंदी कोश भी बना रखे, ये ठीक नहीं है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जिन प्रशासनिक शब्दों का निर्धारण किया है उनके प्रयोग से ही एकरूपता स्थापित होगी, और जब किसी प्रांत से हम केंद्र में पत्र संपर्क करेंगे तो हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसलिए कामकाजी हिंदी में सबसे पहला आयाम है प्रशासनिक शब्दों का। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी संगठन सबसे व्यापक है हमारे देश में, सरकार हर स्तर पर हमारे देश में काम करती है। अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण होता जा रहा है, लेकिन पहले सरकारी कामकाज बहुत अधिक होता था, और इसलिए कामकाज में हिंदी का प्रयोग प्रशासन में होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और हिंदी के अभिप्राय के साथ ये एक बहुत बड़ा आयाम कामकाज के क्षेत्र में हिंदी के साथ जुड़ा हुआ है प्रशासन। दूसरा क्षेत्र व्यवसाय का है। निजी क्षेत्र में व्यवसाय होता है, सरकारी क्षेत्र में व्यवसाय होता है, विज्ञापन लिखे जाते हैं, यानी हिंदी का व्यवसाय में भी अत्यधिक प्रयोग होने लगा है धीरे धीरे। वैसे अभी भी व्यवसाय में अंग्रेजी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, पर धीरे धीरे व्यवसाय में भी हिंदी का प्रयोग होने लगा है। और अब तो ये कहा जाता है कि चिकित्सा में जो पर्चियाँ लिखी जाती हैं डॉक्टरों द्वारा, उनमें भी वो दवाइयों को हिंदी में लिखना चाहिए। अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि दवाई में जो अंग्रेजी में नाम लिखे जाते हैं उसको द्विभाषी या बाइलिंगुअल करके उसको नागरी में या हिंदी में भी उन शब्दों को लिखा जाना चाहिए। अब सवाल कहने का ये है कि व्यवसाय में जब आप कामकाजी हिंदी का प्रयोग करते हैं तो उसमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे हम पेंसिलिन शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम उसे नागरी में पेंसिलिन ही लिखेंगे, उसका अनुवाद नहीं करेंगे अंग्रेजी से हिंदी में, क्योंकि जो तकनीकी शब्द हैं उनके इस्तेमाल से, उनके प्रयोग से जटिलता बढ़ती है और भाषा में संप्रेषण नहीं होता। इसलिए कामकाज की हिंदी में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कामकाज में हिंदी में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वो शब्द इस प्रकार के हों जिनमें संप्रेषण हो सके, जिनमें कम्युनिकेबिलिटी से हम अंग्रेजी में कहते हैं संप्रेषणीयता उनमें होना चाहिए। तीसरा आयाम संचार में हिंदी का प्रयोग, कामकाज में हिंदी का प्रयोग है। आपने देखा होगा कि टेलीविज़न आप देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सभी जुड़े हुए हैं, हिंदी चैनल अंग्रेजी चैनलों से अधिक हैं क्योंकि हिंदी में सबसे अधिक लोग समझते और जानते हैं। यहाँ तक कि हिंदी पूरे देश की संपर्क भाषा नहीं भी बन पाई हो, फिर भी पूरे देश में हिंदी के चैनल सबसे अधिक हैं, अंग्रेजी चैनलों से भी अधिक हैं। बाकी चैनल दूसरी भारतीय भाषाओं के हैं, तमिल का चैनल है, तेलुगु के चैनल है, मलयालम का चैनल है, आपने डिश टीवी में देखा होगा मराठी का, पंजाबी का, हर भाषा के चैनल हैं, लेकिन वो चैनल सीमित हैं क्योंकि उन्हें सीमित लोग ही देखते हैं, और इसलिए संचार में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि जिस तरह हिंदी चैनल अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, वैसे ही अंग्रेजी के चैनल अब हिंदी का प्रयोग करने लगे क्योंकि जनभाषा है हिंदी। जब हिंदी हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, तुरंत जो संवाददाता होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो हिंदी में उसे सवाल करने लगता है और हिंदी में उसको जवाब मिलता है। अंग्रेजी का चैनल है, प्रयोग हिंदी का हो रहा है, इसलिए हिंदी भले ही संपर्क भाषा न मानी जा रही हो लेकिन हिंदी का प्रयोग कामकाज में संचार माध्यमों में भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। ये बात अलग है कि संचार माध्यमों में हिंदी को अधिकतर रोमन में भी लिखा जाता है और नागरी में भी लिखा जाता है, ये परंपरा अभी चल रही है लेकिन धीरे धीरे ये भी कम होगी। और कामकाजी हिंदी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मैं यही कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि वे मीडिया में भी अधिक से अधिक नागरी शब्दों का प्रयोग करें क्योंकि हिंदी की पहचान उन्हीं शब्दों से होती है। जैसे आप व्युत्पत्ति, अगर आपको व्युत्पत्ति शब्द लिखना है तो आप रोमन में कैसे लिखेंगे, आप नहीं लिख पाएंगे रोमन में। दूसरी बात बताऊँ आपको, मैंने अभी अभी ये ध्यान दिया, पहले मैं ध्यान देता नहीं था, अभी मैंने टेलीविज़न पर ध्यान दिया कि टेलीविज़न में रोमन जो स्क्रिप्ट है वो अमेरिकन स्क्रिप्ट है, ब्रिटिश नहीं। मेरा जो नाम है, उपनाम मेरा MISHRA लिखता हूँ तो लोग मुझे मिश्रा कहते हैं, जबकि अमेरिकन अंग्रेजी में अगर मैं ट्रांसक्राइब करता हूँ, आप देखना ट्रांसक्राइब करके, रोमन लिख करके आप हिंदी में ट्रांसक्राइब करना, MISHRA लिखने पर मिश्र लिखा हुआ आता है और MISHRAA लिखने पर मिश्रा लिखा हुआ आता है। इसलिए जो भ्रम हमारे यहाँ पैदा हुआ कि ए लिखा है इसलिए लोग आप बोलेंगे, नहीं है। कंप्यूटर में आप करके देख लीजिए, कंप्यूटर में आप रोमन से नागरी में उसको ट्रांसक्राइब करिए, लिप्यंतरण करिए उसका, लिप्यंतरण में आपको बराबर अमेरिकन अंग्रेजी में बराबर डबल ए में बड़ा आ होता है और छोटे आप ए लिखने पर छोटा आ होगा, क्योंकि भाषा की निर्माण जो प्रक्रिया है उसमें स्वर और व्यंजन मिले हुए रहते हैं, इसलिए अकेला आर नहीं लिख सकते, हमको ए लिखना पड़ेगा। तो संचार में प्रयोग के लिए
नागरी शब्दों का प्रयोग करने के लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ शब्द हिंदी के इस प्रकार के भी हैं कि आप उनको रोमन में स्क्रिप्ट नहीं कर सकते, रोमन में आप उनका उनका लिप्यंतरण नहीं कर सकते, उनकी लिपि रोमन में नहीं आ सकती, क्योंकि भारत की सारी भाषाएं अक्षर मूलक लिपियों में लिखी जाती हैं। अक्षर मूलक लिपि का होता है जिसमें कि स्वर में स्वर व्यंजन में मिले हुए रहते हैं, यानी व्यंजन स्वर के बिना नहीं होता है। और वर्णलिपि जो रोमन है जिसमें अंग्रेजी लिखी जाती है उसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं। इसलिए प्रशासन में, व्यवसाय में, संचार में, जहाँ जहाँ भी आप भाषा का प्रयोग करते हैं कामकाजी हिंदी का, आपको उसकी वर्तनी की जांच परख करना ही पड़ेगी। इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो। वर्तनी की जांच परख करना बहुत ज़रूरी हो गया, आवश्यक हो गया है, क्योंकि कामकाजी हिंदी आप लिखोगे कैसे? अगर आप गलत हिंदी लिखोगे तो क्या अर्थ निकलेगा उसका? हिंदी को सही लिखने के लिए उसकी वर्तनी के सांचे को आपको समझना पड़ेगा, और वर्तनी के सांचे को समझने के लिए वर्तनी का मानकीकरण जो हो गया है उस मानकीकरण पर चलना पड़ेगा। इस पर हम अलग से ही किसी वक्तव्य में विचार कर पाएंगे, क्योंकि मानकीकरण और वर्तनी की जो समस्याएं हिंदी की हैं वो बड़ी जटिल लगती हैं लोगों को, इसलिए कि उसका प्रयोग नहीं हो रहा, माध्यम भाषा के रूप में हिंदी को नहीं अपनाया जा रहा है अभी, इसलिए समस्या आती है। इस पर हमको विचार करना होगा, क्योंकि माध्यम भाषा भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। माध्यम भाषा का अर्थ क्या है? माध्यम भाषा का अर्थ है, जैसे विज्ञान आप पढ़ते हैं, किसके माध्यम से पढ़ेंगे, किस भाषा के माध्यम से पढ़ेंगे? अंग्रेजी के। तो अंग्रेजी कहलाएगी मीडियम, मीडियम यानी माध्यम भाषा। अगर आप हिंदी के माध्यम से पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा हिंदी माध्यम। तमिल के माध्यम से पढ़ेंगे तो कहलाएगा तमिल माध्यम। तो ये जो माध्यम भाषा का संकल्प वो है, आधार है, ये माध्यम भाषा का आधार अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आप कामकाज करेंगे हिंदी में तो कामकाजी हिंदी, काम करेंगे अंग्रेजी में तो फंक्शनल इंग्लिश हो जाएगी वो। और इस तरह से हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिर सरकारी कामकाज में पत्र लेखन, प्रारूपण, बहुत सारी चीज़ें हैं। राजभाषा हिंदी है। राजभाषा का अभिप्राय यह है कि सब पूरा देश कामकाज हिंदी में करेगा। तो जब पूरा देश कामकाज करेगा तो राजभाषा क्या हो जाएगी? संपर्क भाषा, प्रशासन की संपर्क भाषा, संचार की संपर्क भाषा, व्यवहार की संपर्क भाषा, व्यवसाय की संपर्क भाषा। तो कामकाजी हिंदी क्या होगी? कामकाजी हिंदी होगी राजभाषा के रूप में भारत के कामकाज की संपर्क भाषा, जिसमें कि तमिलनाडु में भी हिंदी में काम होगा, केंद्र के साथ तमिल में होगा और हिंदी में होगा। तब तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद नहीं होगा, तमिल से हिंदी में अनुवाद होगा। जिस दिन हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में कामकाज की भाषा पूरे देश में स्वीकार कर लिया जाएगा, उस दिन मराठी से हिंदी में अनुवाद होगा। अभी मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद होता है, अभी गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद होता है, तब मराठी से हिंदी में अनुवाद होगा, तेलुगु से हिंदी में अनुवाद होगा, तब हिंदी वास्तव में संपर्क भाषा मानी जाएगी। अभी हिंदी संपर्क भाषा नहीं है, क्योंकि संपर्क भाषा होते हुए भी संपर्क भाषा के रूप में उसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सरकारी पत्र लेखन, निजी पत्र लेखन, पारिवारिक पत्र लेखन, व्यक्तिगत पत्र लेखन, व्यावसायिक पत्र लेखन के कई प्रकार हैं। सरकारी पत्र लेखन के भी कई प्रकार हैं। सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, अधिसूचना है, अनुस्मारक है, प्रेस विज्ञप्ति है, अनेकों हैं। ये अलग अलग तरह के होते हैं। आपको ये सब देखना पड़ेगा कि पत्र किस प्रकार का लिखा जाए। अगर आप किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं और आपसे किसी ने, जैसे आपने बीए पास कर लिया और कार्यालय में आप काम कर रहे हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रश्न पत्र आपने पढ़ा है और आप प्रयोजन मूलक हिंदी से बिल्कुल परिचित हो चुके हैं और कामकाजी हिंदी के बारे में आप सबको जानते हैं। अब आप गए किसी कार्यालय में और कार्यालय में आपके, जैसे आप अधिकारी हुए तब भी और कर्मचारी हुए तब भी, वो कहेगा कि एक ऐसा करिए, हिंदी में एक परिपत्र बनाइए। अब आप समझ नहीं पा रहे परिपत्र क्या होता है। सर्कुलर कहेगा तो आप समझ जाएंगे। तो परिपत्र क्या होता है? परिपत्र और सरकारी पत्र अलग अलग ढंग से लिखे जाते हैं। तो कामकाजी हिंदी में आपको न केवल कामकाजी हिंदी के अभिप्राय से जुड़ना है, बल्कि कामकाजी हिंदी में किस किस तरह के काम होते हैं, उन कामों में क्या क्या अंतर है, किस तरह से पत्र लिखे जाते हैं, किस तरह से नोट या मसौदा या प्रारूपण होता है, इन सारी बातों की जानकारी भी कामकाजी हिंदी का एक बड़ा व्यापक आयाम है और उसका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। आज के ज़माने में, आज के युग में साक्षात्कार सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। अब ये कहा जाने लगा है कि लिखित परीक्षा के साथ साक्षात्कार होगा ही। अगर आपको पीएचडी की उपाधि चाहिए तो साक्षात्कार होगा आपको। अगर आपको कोई रोजगार चाहिए तो साक्षात्कार होगा आपका। हमने तो ये देखा है कि अब लिखित परीक्षाएं हमारे ज़्यादा हैं,
लेकिन विदेशों में तो लिखित परीक्षाओं की अवधारणा ही खत्म हो रही है। यहाँ तक कि MSc डिग्री लेने के लिए लिखित परीक्षा की जरूरत ही नहीं है, वो दे देते हैं आपको काम घर पर, आप पूरा काम करिए और काम करने के बाद आप जब कंप्यूटर से सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे तो आपको वो साक्षात्कार के लिए बुला लेते हैं। साक्षात्कार आप देंगे उसके बाद वो कहते हैं हार्ड कॉपी जमा कर दीजिए आप, तो आप हार्ड कॉपी रखिए। तात्पर्य कहने का ये है कि अब जो है आत्म शिक्षा सेल्फ एजुकेशन जो उसका अवधारणा है वो आती जा रही है, बड़ी तेज़ी से आ रही है। लिखित परीक्षाएं भारत में होती हैं लेकिन अब विदेशों में तो कई कई उपाधियां, अमेरिका और इंग्लैंड में, तो मैं विशेष रूप से कह सकता हूँ यूरोप में और अमेरिका में तो लिखित परीक्षाओं की अवधारणा धीरे धीरे समाप्ति होती जा रही है, कोई लिखित परीक्षा नहीं होती वहाँ पर। और वहाँ पर होता क्या है कि आपको प्रोजेक्ट दे दिया, परियोजना दे दी आपको और कह दिया कि भाई इस पर आप काम करिए, आप घर पर बैठ के काम करिए, इन विश्वविद्यालय में बैठ के काम करिए, वहाँ आपको एक कमरा दे दिया जाएगा, आपको एक कमरा नहीं होगा तो सीट दे दी जाएगी, वहाँ पर आपको काम करना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सबसे बड़ा जो निर्णय होना है वो आपके मौखिक भाषा के आधार पर होना है, आपके साक्षात्कार के आधार पर ही आपकी लिखित परियोजना का निर्णय होना है। इसलिए मौखिक भाषा, कामकाजी भाषा में मौखिक भाषा को हम की अवहेलना नहीं कर सकते, इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और बताऊँ आपको मैं, मौखिक भाषा भी मानकीकृत होना चाहिए, केवल लिखित भाषा मानकीकृत हो जरूरी नहीं है। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में आप आंचलिक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा जो बैठा हुआ वहाँ पर। आपसे ये उम्मीद की जाती है, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप मौखिक भाषा भी मानकीकृत ही बोलेंगे, केवल लिखित भाषा मानकीकृत नहीं होगी आपकी, आपकी मौखिक भाषा भी मानकीकरण से जाएगी, मानकीकृत होगी। और आप अगर हिंदी बोलेंगे तो बुंदेली के शब्द नहीं आएंगे उसमें, मालवी के शब्द नहीं आएंगे उसमें, बघेली के नहीं आएंगे, मगही के नहीं आएंगे, मैथिली के नहीं आएंगे, भोजपुरी के नहीं आएंगे, आपको मानकीकृत भाषा ही बोलना होगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए कामकाजी हिंदी का एक आयाम यह भी है कि मौखिक और लिखित भाषा में मानकीकरण का समन्वय, मानकीकृत उन दोनों को होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और मानकीकरण तभी होगा जबकि भाषा की एक रूपता, शब्दों की एक रूपता आप लाएंगे। और इसीलिए शब्दकोश भी आप इस प्रकार का रखिए जो कि मानकीकृत शब्दकोश। हिंदी में शब्दकोश कैसे मालूम है आपको? आप शब्द सागर ले जाइए, नालंदा शब्दकोश ले जाइए, अंग्रेजी हिंदी कोश ले जाइए, हिंदी अंग्रेजी कोश ले जाइए, एक शब्द का अर्थ अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है, समांतर कोश ले जाइए आप। तो अंग्रेजी में इस तरह की स्थिति नहीं है लेकिन अब हिंदी में भी धीरे धीरे इस तरह के काम होने लगे हैं। और कामिल बोलके का अंग्रेजी हिंदी कोश आप लें, अरविंद कुमार का समांतर कोश आप लें, ऐसे बहुत से स्तरीय कोश भी बन गए, नालंदा कोश बन गया है। तो कोश को सामने रखना भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अगर कोई शब्द आपको नहीं आता है, किसी और भाषा में आता है, तो आप अपनी भाषा में उस शब्द को देख सकते हैं। तो शब्द कोश का शब्द व्यवहार से संबंध बहुत गहरा है। शब्द व्यवहार के लिए कामकाजी हिंदी के लिए प्रशासनिक शब्दकोश मंगाइए, अलग अलग तरह के शब्दकोश मंगाइए। आपने टिप्पणी लिखी, टिप्पणी लिखने में आपको शब्द समझ में नहीं आया, आप तुरंत कोश देखिए और उसका शब्द आप लिख दीजिए। नोट करने को नोंद करना लिखा जाता, नोंद करना लिख दीजिए आप, नोट करना भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मानकीकरण करना पड़ेगा। नोट करना लिखना है तो नोट करना ही लिखेंगे आप, और नॉन करना लिखना तो नॉन करने, इसके लिए आपको नीति बनाना पड़ती कामकाजी हिंदी में कि अंग्रेजी के उन शब्दों का प्रयोग जारी रखा जाए क्या जो बहुत प्रचलन में आ गए, जैसे नोट करना, या उनकी भी हिंदी की जाए। तो मेरा व्यक्तिगत मत ये है, और मेरा ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जो शब्दों को निर्माण समिति है भारत सरकार की, उसका भी मत ये है कि अंग्रेजी के अधिकतम प्रचलित शब्दों को आप नागरी में लिखो, उनका हिंदीकरण करने की जरूरत नहीं है। रेल को आप रेल लिखो, द्विपथ गामिनी गामिनी कहने की जरूरत नहीं उसको, पथ गामिनी कहने की जरूरत नहीं उसको, रेल को रेल लिखो। टेलीफोन को आप दूरभाष कहा जाता है पर दूरभाष कहने की आवश्यकता नहीं है। रेडियो को आकाशवाणी कहने की आवश्यकता नहीं है, रेडियो को रेडियो कहो, टेलीफोन को टेलीफोन कहो, टेलीविजन को टेलीविजन कह दो, दूरदर्शन कहने की जगह। अच्छी बात है कि हमारे देश में दूरदर्शन प्रचलन में आ गया है, हमारे देश में आकाशवाणी प्रचलन में आ गई है, तो ठीक है इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का भी प्रायः इतना है कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान का विकास यूरोप से हुआ है, वहाँ से बहुत सारे शब्द आए हुए हैं, उनका हिंदीकरण संभव हो तो आप करिए और संभव ना हो तो आप अंग्रेजी के शब्दों को चलने दीजिए। लेकिन इसके लिए भी आप कोश बनाइए, उस कोश में नियम बनाइए कि इस शब्द का हिंदी होगा, इस शब्द का हिंदी नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा,
मैं टेलीविजन कहूँगा, आप दूरदर्शन कहेंगे। भाषा में संप्रेषण की अत्यंत आवश्यकता होती है, और ये बात साहित्य की भाषा के लिए नहीं, इस ये बात प्रयोजनमूलक भाषा के लिए भी, कामकाजी हिंदी के लिए भी अत्यंत अनिवार्य है, तभी हम इस काम को कर सकेंगे। अब कामकाजी के जो विविध रूप हैं, राजभाषा, संपर्क भाषा, संपर्क भाषा का क्या अर्थ, राष्ट्रभाषा, माध्यम भाषा, भाषा लिपि, संचार, सृजनात्मक भाषा, ये एक हमारी अवधारणा है, मैं इसको दूर करना चाहता हूँ। हिंदी अकेली हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी अकेली हमारे देश की राजभाषा है। फिर नोटिंग में एक बात और आती है, लिखने में एक बात और आती है, संक्षेपण और पल्लवन। अधिकारी ने एक लाइन लिख दी, पंक्ति लिख दी कि फला नियम के अनुसार ये हो सकता है। अब कर्मचारी उसको विस्तार से लिखेगा कि फला नियम क्या है, उसके अनुसार उसकी जो फाइल है उस फाइल में क्या क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से उसका क्या निर्णय होगा। पूरा एक लाइन वो अधिकारी लिखेगा कि अनुच्छेद नंबर 151 के अंतर्गत इस पर टिप्पणी बनाकर लाइए इस फाइल पर। अब कर्मचारी 151 धारा के हिसाब से उस पर टिप्पणी बनाएगा, ये संक्षेपण होता है, ये पल्लवन होता है, और संक्षेपण होता है विस्तार से जो दिया गया है कोई मसौदा, उसे दो चार लाइनों पंक्तियों में लिख देना, ताकि पता लग जाए कि इन पंक्तियों में लिख दिया गया और ये काम हो गया। इस पर भी हम अलग से बात करेंगे, संक्षेपण और पल्लवन के संबंध में। कामकाजी हिंदी का अभिप्राय उस हिंदी से है जो हर क्षेत्र में जीवन के, कार्यालय में, मार्गदर्शन में, प्रशासन में, संचार में, व्यवसाय में, कामकाज यानी व्यवहार में, प्रयोग में लाई जाती है। और उसके विविध आयामों में ये कहूँगा कि मौखिक और लिखित भाषा के जो समानांतर आयाम हैं, इसके अंतर्गत प्रशासन से लेकर सारे क्षेत्रों में सृजनात्मक भाषा के अलावा जितने भी आयाम हैं उसमें कामकाजी हिंदी का प्रयोग होता है, और प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है। इसका मानकीकरण और एक रूपता की दृष्टि से हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि राजभाषा के रूप में हिंदी को हमें एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित करना है, और हमें इसे एक माध्यम भाषा के रूप में भी अपनाना है। धीरे धीरे अगर हमारी शैक्षणिक संस्थाओं में भी ये माध्यम बनती है, तो हिंदी का प्रयोग हम कार्यालयों में, विश्वविद्यालयों में और प्रशासन के क्षेत्रों में आसानी से कर सकेंगे। अब हमें करना ही होगा, कम से कम हिंदी प्रांतों के जो विश्वविद्यालय हैं उनके प्रशासन की भाषा धीरे धीरे हिंदी बनेगी, और कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा। इसलिए आपको स्नातक स्तर पर कामकाजी हिंदी के सारे स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। रोजगार के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों का निरंतर विस्तार होता जा रहा है, और अब तकनीकी क्षेत्रों का भी प्रयोग बहुत बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार में एक विज्ञान और तकनीकी शब्दावली आयोग भी है, अधिकतर हम लोग कंप्यूटर शिक्षा की ओर जा रहे हैं। अब समस्या ये आती है कि कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार हम करें, ये वैसे आपको अलग से भी बताया जाएगा, लेकिन मैं कामकाजी हिंदी में बता रहा हूँ आपको, और ये अत्यंत आवश्यक है बताना। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के साथ है वो है लिपि के प्रयोग की, सबसे बड़ी समस्या लिपि के प्रयोग की है, और सबसे बड़ी समस्या इसलिए भी है कि हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं की लिपियाँ भी अलग अलग हैं, और इसलिए कंप्यूटर के प्रयोग में लिपि का प्रयोग करते समय अत्यंत समस्याएं हमारे सामने आती हैं। कंप्यूटर का निर्माण ही अमेरिका में हुआ है, और इसी कारण से उसमें रोमन इनबिल्ट कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। नागरी के शब्दों का प्रयोग करने के लिए हमको उसमें अलग से सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। तो कामकाजी हिंदी में आपको ये भी देखना है कि कामकाजी हिंदी में आप इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें जो मानकीकृत हो, और जिससे कि आप उस सॉफ्टवेयर का प्रयोग दूसरे कंप्यूटर में उस लिपि को डालने में कर सकें। कई बार क्या होता है कि एक फॉन्ट हम दूसरे प्रयोग में नहीं डाल पाते हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी आप जहाँ जहाँ जाते हैं आपको किस प्रकार की हिंदी बोलना, यह भी एक समस्या है। अगर आप संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलते हैं तो काम नहीं बनता, कामकाजी हिंदी बोलने के लिए आपको मिली जुली हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें कि अंग्रेजी के कुछ शब्द होंगे, उर्दू के भी कुछ शब्द आ जाएंगे, लेकिन वो शब्द ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप हिंदी के शब्दों की जगह उनको प्रयोग में ला रहे हैं। वो शब्द ऐसे होना चाहिए कि आप वास्तव में उन शब्दों को प्रचलित होने के कारण ही प्रयोग में ला रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि मेरा डिसीजन है, आप उसकी जगह मेरा निर्णय है ये कह सकते हैं, लेकिन कुछ जगह आपको
तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, और उस जगह आप उन दूसरे भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करेंगे। तो कामकाजी हिंदी का प्रयोग हमें संप्रेषण की दृष्टि से करना पड़ेगा, और इस संप्रेषण की दृष्टि से करने पे हम तत्सम शब्दों का, संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये अत्यंत आवश्यक बात है, और इसे हमें रोजगार में ध्यान में रखना पड़ेगा। रोजगार में जब भी आप जाते हैं, आपको ऐसी हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा जो वास्तव में व्यावहारिक हिंदी है। हम यही कह सकते हैं कि कामकाजी हिंदी का संबंध रोजगार से भी जुड़ गया है। रोजगार केवल सरकारी ही नहीं, निजी रोजगार और निजी कंपनियों में भी लोगों को अच्छे अवसर मिल रहे हैं। इसलिए कामकाजी हिंदी के संदर्भ में विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है, और इसे न केवल एक राजभाषा बल्कि एक संपर्क भाषा और रोजगार मूलक भाषा के रूप में भी बदलने की आवश्यकता है। इस संबंध में हम आगे विचार करेंगे। कामकाजी हिंदी वस्तुतः आज की आवश्यकता है, जिससे कि हम हमारे देश में अपनी भाषा में काम कर सकें।